उसके बाद हम उनके एजेंडा के बारे में सुनेंगे, वो जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए क्या हासिल करना चाहते हैं, बीजेपी को रोकने का क्या तरीका है, क्योंकि ये बात तो साफ है और अखबारों के जरिए ये खबर भी आना शुरू हो गई है कि बीजेपी की मुकम्मल कोशिश रही है कि ज्यादा से ज्यादा आजाद उम्मीदवार जो हैं वो कश्मीर से कामयाब हो, ताकि कल को इन आजाद उम्मीदवारों के साथ जो है ये लोग हुकूमत बनाए। लेकिन इस चीज की मुझे नहीं लगता है वोटर इजाजत देगी। जब नतीजे निकलेंगे तो इंशाल्लाह उस वक्त जो है ना बीजेपी की ये साजिशें जो है वो कामयाब होंगी। आप मैंने अभी गांदरबल के कागज भरे ना, अब आप गांदरबल की बात करें तो बेहतर होगा। यहाँ पे अभी आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि आपके पूर्व एमएलए हैं इशफाक जब्बार, वो बाहरी और घर की बात कर रहे हैं, आपको बाहर का कैंडिडेट बता रहे हैं और कांग्रेस के भी जो आगे वो छोड़ दीजिए ना, कौन कहाँ से है कहाँ से नहीं है। गांदरबल के लोगों ने मुझे एक बार नहीं, तीन बार पार्लियामेंट के मेंबर के तौर पे और एक बार एमएलए के तौर पे, इशफाक जब्बार एमएलए तभी बने जब ये सीट मैंने उनके हवाले की। अगर 2014 में मैंने इलेक्शन लड़ा होता इशफाक जब्बार जीतते नहीं। इशफाक जब्बार अच्छी तरह से जानते हैं कि मैंने गांदरबल की सीट सिर्फ इसलिए छोड़ी क्योंकि मैंने उनको जबान दी थी, मैंने उनके साथ वादा किया था, लेकिन वो उस वादे के बराबर उतर नहीं आए, उन्होंने गांदरबल के लोगों के साथ धोखा किया। 2014 के बाद गांदरबल में जितने भी काम थे वो सारे रुक गए, इसलिए आज मजबूरन हमें जो है इशफाक जब्बार या बाकियों के खिलाफ जो है आज हम इलेक्शन के मैदान में उतरे हैं, ताकि वो सारे काम जो 2014 के बाद रुक गए उनको हम दोबारा से शुरू करें और गांदरबल में एक नई तरक्की का दौर जो है वो शुरू हो जाए। उमर साहब गांदरबल में